सरकारें किसानों को समय समय पर कई प्रकार की स्कीमें चला किसानों को फायदा करती है। कभी वो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की स्कीम देती है, कभी जो बिलों में जो माफी है उसकी छूट देती है, कभी ऋणों में छूट देती है। मतलब कई स्कीमें चलाती है जो किसानों के फायदे का काम करती है। तो हमारी सरकारें कभी फायदे का काम भी करती है, केवल नुकसान काम करती है। एक जो फायदे की स्कीम सरकार ने अभी लागू की है, इसके बारे में चर्चा करें। मैं हूँ आपका दोस्त चिकन। हाँ, जय किसान यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देखिए तो बेल आइकन वो प्रेस करिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपके फोन में सीधी आए बिना किसी रुकावट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे भारत देश में जो पानी की जो कमी की जो समस्या है, हमारा जो पूरा हिंदुस्तान से जूझ रहा है, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चालू की है। स्कीम का नाम है फार्म पॉन्ड स्कीम, जो किसानों के लिए एक जब तालाब है वो बनाने की स्कीम है। इस तालाब जो स्कीम में क्या होगा, किसानों को जो पानी है उनको जो बारिश का पानी वो इकट्ठा करना होगा तालाब के जरिए। उस तालाब के जरिए जो ऐसे किसानों को पानी जरूरत पड़ेगी, उस पानी को वो काम में लेके अपनी सिंचाई के लिए काम में ले लेंगे और इससे जो पानी की जो कमी है वो नहीं रहेगी, उससे पानी की पूर्ति वो समय समय पे हो जाएगी। तो हम बात करेंगे किन किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा, कौन इसके योग्य माने जाएंगे। तो बारे में बात करें, जिन किसानों के पास 0.5 एकड़ से कम जमीन होगी उन्हें ये जो स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, और इस स्कीम का वो किसान भी फायदा उठा सके जो औरों को खेत जो और किसान भाई का खेत बुआई में काम में लेते हैं। तो उनके लिए क्या करना, उनका जो लीज एग्रीमेंट होता है वो आपको लेना पड़ेगा। लगभग 7 साल के लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आप जो ये तालाब की जो स्कीम ले रहे हो तो आपको 7 साल का एग्रीमेंट आपको सरकार से करना होगा। एग्रीमेंट के बिना आपका जो स्कीम है वो आप पे लागू नहीं होगी। तो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज देखें, तो दस्तावेज ये हैं जैसे आप किसी को शो कर रहे हैं, ये दस्तावेज आपके पास। तो इसके लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भूमि पहचान पत्र, खाता का सरल नंबर तथा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जमाबंदी की नकल 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक शादी पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि आवेदक किसान के पास कितनी सिंचित और असिंचित जमीन है। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कर सके हिस्सा 1 एकड़ से अधिक होने पर एक ही खसरे में अलग अलग फार्म पॉन्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होंगे। तो अब आपको बताएंगे कितनी सब्सिडी आपको किसान भाइयों को मिलेगी। तो सब्सिडी किसान भाइयों को मिलेगी 60%। आपकी जो लागत आई है उसका 60% आपकी जो लागत है वो आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में दे दी जाएगी। किसान भाई, अब आपके मन में विचार होगा इसके लिए आप अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप ई मित्र पर जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो तो आप आपके जो कृषि विभाग ऑफिस है वहाँ पे जाके आपके जो आवश्यक दस्तावेज साथ में ले जाए और वहाँ पे इसकी जमा करा दे, वहाँ से आपको रसीद मिलेगी, वो रसीद प्राप्त कर ले। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने जो कमेंट में आपकी राय दे और अपने किसान दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।